अभी हाल ही में उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई कल्पना सैनी जी हमारे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। मैम उत्तराखंड से आप चुन के गई हैं, एक ऐसे कार्यकर्ता को भाजपा ने जिम्मेदारी दी जिनका शायद नाम नहीं चल रहा था, क्या कहना चाहते हैं पहले तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने उस प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी व्यक्त करना चाहूँगी कि जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता को कार्य करने का अवसर दिया, और समस्त कार्यकर्ताओं में ये संदेश दिया है, समस्त महिला शक्ति को ये संदेश दिया है कि मातृशक्ति भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखती है, उतना ही आगे बढ़ाने की क्षमता संगठन रखता है जितना कि जो है अपने अन्य कार्यकर्ता। मैम अगर उत्तराखंड की बात करें तो आपने यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र अधिकतर है और जो हालात है वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उनको लेकर बेहतरी के लिए उत्तराखंड के लिए किस तरीके से आप आवाज़ उठाएंगी? देखिए मेरा राज्य मेरी प्राथमिकता होगा, मैं अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को, उनकी विकास की उस धारा को अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जो विकास की गंगा बहा रहे हैं उन योजनाओं को जमीन पर ला रहे हैं, उनके साथ समन्वय करके अपने पूरे प्रदेश के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए आगे बढ़ाने का कार्य करूंगी। और मैं अपने इस उत्तराखंड की ही बेटी हूं, मैं अपने उत्तराखंड के 13 जिलों की समस्याओं को जानती हूं, जहां हमारी सीमाएं दूसरे देश से मिलती हैं वहाँ से लेकर जो हमारा देवभूमि का द्वार है वहाँ तक, वो पूरा उत्तराखंड मेरा है। मैं महिला हूँ, महिलाओं की चाहे पहाड़ की समस्या हो या मैदान की, बालिकाओं की हो या युवाओं की, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं OBC आयोग की अध्यक्ष रही हूँ, मैंने हर जिले पर जाकर समस्याओं की सुनवाई भी की है और समस्याओं का निरीक्षण भी किया है। मैं शिक्षिका रही हूँ, मैं प्रधानाचार्य थी इंटर कॉलेज की 32.5 साल, जहाँ 2.5 साल की बालिका आकर 17 साल की युवती बनकर निकलती है। जब कोई बालक या बालिका किसी विद्यालय में पढ़ रहा होता है उसके पूरे परिवार से उसका गहन परिचय होता है, उसकी हर समस्या, उसकी स्थिति, और उसे संस्कार देने का कार्य, क्योंकि एक छोटा बालक, मैं समझती हूँ कि 85 या 90% लोगों से अगर पूछा जाए तो उनका आदर्श उनका कोई ना कोई अध्यापक अध्यापिका होता है। तो ये कार्य भी मैंने किया है। मैं किसान की बेटी हूँ, किसान की बहू हूँ, मेरा अपने मामा का बेटा सीमा पर जवान है, मैं जवानों के परिवार और जवानों की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझती हूँ। उस उम्र के पड़ाव पर हूँ कि जब मेरे बच्चे युवा हैं, मैं युवाओं की माँ हूँ, मैं उनकी भी सब बातों को जानती हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि संगठन ने जो मुझे ये दायित्व दिया है मैं अच्छे से निर्वहन कर सकूँगी और अपने प्रदेश के लिए उपयोगी सिद्ध। मैम आप लंबे समय टीचर रही हैं और सरकारी स्कूलों की स्थिति आपको खुद पता है कि उत्तराखंड में जो सरकारी स्कूल है या तो बंद होते जा रहे हैं और या फिर जो बच्चे हैं वो बहुत कम हो गए हैं, किसी स्कूल में 5 बच्चे, किसी में 10 हैं, उसको लेकर के किस तरीके से काम किया जाएगा, और साथ ही महिलाओं को लेकर के, आप खुद भी महिला हैं, उसको लेकर के कैसे? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नई शिक्षा नीति जो तैयार की है केंद्र में, जो पारित हो चुकी है, बहुत जल्द वो मेरे प्रदेश में होगी और मेरे प्रदेश के छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल होगा, मैं 100% इस बात पर विश्वास करती हूँ। धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ जो अभी जल्द ही उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद के लिए चुनी गई हैं, और साथ ही इन्होंने बताया कि महिलाओं को लेकर के खास फोकस किया जाएगा क्योंकि ये खुद भी महिला है, और साथ ही जो शिक्षा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं, क्योंकि ये खुद टीचर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है उसको भी सही सुधारा जाएगा। राहुल सिंह, उत्तराखंड।